रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। आवाज खुदा की नीमत है, आवाज वो खुद है। आवाज इजहारे तबीयत है कि खुश हो ना खुश हो, बेखौफ हो शर्मिंदा हो तुम। आवाज इस बात का सबूत है कि सांसें चल रही है मगर जिंदा हो तुम। वो चाहते हैं मैंने मतलब इसमें बोलने की कोशिश ये करी है कि वो लोग जो नहीं चाहते कि आप कुछ करो जिंदगी में, वो चाहते हैं कि तुम अपनी इस इनायत को भूलो, आवाज उठाने की अपनी कवायद को भूलो। पर तुम उनकी सिखाई कोई बात पर मत चलना, मैं 93 सन नहीं भूलूंगा, तुम गुजरात मत भूलना। भूलना चाहोगे तो वो भी तुम्हें भूलने नहीं देंगे, ये सियासती बर्फ है वो पिघलने नहीं देंगे, ये उनके हिस्से का सूरज है वो ढलने नहीं देंगे। पर आज बात ढलने की नहीं है, रुकने की नहीं है, साथ चलने की है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ कर पाओ तुम, इससे पहले कि आवाज़ उठाओ बिखर जाओ तुम, हर मंच में बेखौफ होकर अपनी बात कहो तुम। वो चाहते नहीं कि तुम्हारी कलम से कोई बात ज़रूरी निकले, वो चाहते हैं कि तुम्हारी कलम से बस जी हुजूरी निकले। क्योंकि लिखने वाले की मौत तो बस उनके लिए कोई शहादत होती ही नहीं है, और आदत तो उन्हें है ही ना सुनने की। इससे पहले कि सुबह साज खामोश हो जाए, लिखने वाले मुकम्मल नींद में बेहोश हो जाए, कोई सुर छेड़ो कोई राग छेड़ो। वो चाहते नहीं कि आवाज रहे तुम्हारी, तुम पुरजोटा से आवाज छेड़ो, आवाज उठाओ कि उनके पास रोकने की तरकीबें तो बहुत है, पर तुमसे भी तो दोस्त दुनिया को उम्मीदें बहुत हैं। आवाज उठाओ। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ पे बच्चों का जिक्र किया है, वो छोटे बच्चे कि आवाज उठाओ, वो बच्चे, हाँ वो बच्चे कंधों में बस्ता हाथों में तिरंगा लिए निकल जाते हैं, वो तुम्हारे झूठे वादों से बहल जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुमने और मैंने यानी कि उनके रहनुमाओं ने उन पर इतने तो एहसान किए होंगे, उनकी आज़ादी और उनके सुकून के कुछ तो इंतजाम किए होंगे। आवाज उठाओ कि ये बच्चे दुनिया देखना चाहते हैं, ये कलम उठाकर कहते हैं कि देश के लिए लिखना चाहते हैं। यार हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज उठाई जाए और ये आवाज की छोटी बस्तियां ना जलाई जाएं, ताकि आगे इनकी तस्वीरें ना जलाई जाएं और उनके आगे महज मोमबत्तियां ना लगाई जाएं। आवाज उठाओ कि ये बच्चे क्या बोलना है क्या नहीं, क्या समझना है क्या नहीं, ये बच्चे इस बीज के फर्क को अपनी मर्जी के हिसाब से नाप तोल सकेंगे। आवाज उठाओ कि ये बच्चे जो बड़े होकर अगर कुछ बोलना चाहें तो बेखौफ होकर बोल सकेंगे। धन्यवाद। वॉच द लेटेस्ट कॉमेडी म्यूजिक एंड पोएट्री वीडियोस ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।